में एक छात्रा को अपने साथी से दोस्ती करना महंगा पड़ा। दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन ये प्यार कब धोखा और साजिश में तब्दील हो गया उसे खुद भी पता नहीं चला। भरोसे के टूटने और रिश्तों की कड़ियां बिखरने के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया। चार पन्नों के इस सुसाइड नोट में दीपिका की जिंदगी का जो सच लिखा है उससे वो खुद कई महीनों तक अनजान रही थी। लव, सेक्स, धोखा और फिर आत्महत्या की इस गुत्थी को पुलिस जितना सीधा मान रही थी, असल में वो उससे कहीं ज्यादा पेचीदा निकली। रिश्तों के तार तार होने का ये मामला सूरत के गोडादरा इलाके का है। बीकॉम में पढ़ने वाली दीपिका झूठ, फरेब और ब्लैकमेलिंग से इतना तंग आ गई कि तापी नदी में कूदकर अपनी जिंदगी की लहरों को हमेशा के लिए खामोश कर दी। दीपिका जिस लड़के से प्यार करती थी उसका भरोसा ही झूठा नहीं था, बल्कि उसका नाम भी उसके भरोसे जैसा ही झूठा था। दीपिका मोहिन उर्फ रावण नाम के लड़के को अपना दिल दे बैठी, लेकिन ये दीपिका की जिंदगी का असली रावण निकला। वो छोकरे कॉलेज जा रहे थे, उनके यहाँ से कोई छोकरे से मोहब्बत हो गई है, वहाँ से छोकरे ने उसको धोखा दे दिया है। दीपिका की जिंदगी में मोहिन दोस्त बनकर आया था और हमदर्द बनने के सपने दिखाने लगा। शादी का झांसा देकर एक रिसोर्ट में ले गया, लेकिन उस रिसोर्ट में दीपिका की नहाते हुए वीडियो बना दी। रिसोर्ट में मोहिन के जिंदगी से जुड़े कई और काले चिट्ठे जब सामने आए तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया, लेकिन मोहिन ने जिस साजिश के साथ दीपिका का वीडियो बनाया उसी की बदौलत वो उसे ब्लैकमेल करता रहा। ब्लैकमेलिंग सिर्फ मोहिन तक ही नहीं रुकी, उसने अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दिया। हमें जो भी वीडियो थी सब उतार ली है, और उसके अंदर लड़की ने खुदा से एक आधी बार देख लिया था, मतलब कहना कि मेरी वीडियो से उतार ली मोबाइल में से, तो ये ब्लैकमेल कर रहा था और इन्हें इसके दोस्तों को सबको बांटी वायरस करने के लिए, और उसके दोस्तों भी इसको परेशान करते थे बार बार। दीपिका के सपने टूटने लगे, मोहिन और रावण से पीछा छुड़ाने का जरिया ढूंढा गया, लेकिन मोहिन तो और भी ज्यादा शातिर निकला। उसके पर्स में जो ड्राइविंग लाइसेंस मिला उससे असली नाम से पर्दा भी हट गया। बॉयफ्रेंड ने अपना नाम दीपिका को रावण बताया था, लेकिन नाम निकला मोहिन पठान। ड्राइविंग लाइसेंस में यह नाम देखकर उसके होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपिका को लग गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। टॉर्चरिंग मोहिन ने किया है, तो ये मोहिन उर्फ रावण जो है उसको हमने गिरफ्तार किया है। आगे तपास जारी है, उसके खिलाफ दूसरों के खिलाफ एविडेंस या वगैरह कुछ मिलेंगे तो हम उसको भी अरेस्ट करेंगे। मोहिन उर्फ रावण के गुनाहों की कड़ियां इतनी उलझी हुई थी कि पुलिस के लिए भी उसे सुलझाना मुमकिन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस अपराधी तक पहुंच ही जाती है, और इसमें मदद मिली सुसाइड नोट की। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि मोहिन के इस फरेबी जाल में कहीं और भी भोली भाली लड़कियां तो नहीं फंसती। अरविंद शर्मा, सूरत, इंडिया न्यूज़।